हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो शेयर करती हूँ, उसी तरह से आज मैं आपके साथ हेयर केयर से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेकर के आई हूँ। मैं अपने चैनल पर सिर्फ वही रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ जिसका कोई रियली इफेक्ट होता है, जो बहुत ही जेन्युइन होती है। आज की रेमेडी भी बहुत ही ज़्यादा रियली इफेक्टिव है और जेन्युइन है। जैसे कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तब भी ये रेमेडी आपके लिए है, और अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं और आप उन्हें ठीक करना चाहते हो तब भी ये रेमेडी आपके लिए है। अगर आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, आपके हेयर बहुत ज़्यादा वाइट होते जा रहे हैं, तब भी ये रेमेडी आपके लिए है कि आपको उसके लिए भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। और आपका हेयर जो लेंथ है अगर इंक्रीज नहीं हो रहा तब भी ये रेमेडी आपके लिए है कि आपकी हेयर लेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस रेमेडी में कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट तो मैंने यूज़ नहीं करे, लेकिन वो जो दो इंग्रेडिएंट मैं आपके लिए इस रेमेडी में यूज़ करूँगी वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि आपकी सारी हेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिनिश होने वाली हैं। और मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियो में कि ये दो इंग्रेडिएंट कौन से हैं जो इतना मैजिकल वर्क करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो और अपडेट्स हैं वीडियोस के वो उनको आपको मिल सकें। दूसरा, आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी विदाउट न्यूट्रिशन ग्रो नहीं करती तो हमारे हेयर भी विदाउट न्यूट्रिशन ग्रो नहीं होते। इनकी ग्रोथ तभी होती है जब इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो आपको अलग अलग रेमेडीज यूज़ करते रहना चाहिए क्योंकि वो अलग अलग इंग्रीडियंट्स से बनी होती हैं जिससे कि प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है आपके हेयर फॉलिकल्स को मिल सके। और वैसे भी रेमेडीज़ को भी चेंज करना ज़रूरी होता है ताकि आपके हेयर रूट्स के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन पहुंच सके। दूसरा, आपके हेयर रूट्स को सिर्फ एक ही चीज़ की हैबिट ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक चम्मच राइस ले लेने हैं और एक ही चम्मच आपको फेनुग्रीक सीड ले लेने हैं। देखिए, फेनुग्रीक सीड आपके हेयर के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करते हैं। हमारे हेयर केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। केराटिन नाम का जो प्रोटीन है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं फेनुग्रीक सीड। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं और उसमें मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, आपका हेयर जो है इसकी वजह से ग्रे होना शुरू हो गया है, तो अगर आप मेथी दाना से बना पैक या मेथी दाना से बनी कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं तो मेथी दाना इतने इफेक्टिव होते हैं कि वो आपके हेयर रूट्स के अंदर, आपके हेयर रूट्स के अंदर कैटलेस की एंजाइम की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे हाइड्रोजन पराक्साइड की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि कैटलस की एंजाइम हाइड्रोजन पराक्साइड को यूज़ करता है। तो जिसकी वजह से आपका अगर कैटलस बूस्ट हो गया हेयर रूट्स के अंदर तो आपका जो हेयर का कलर है वो रूट से ही ब्लैक होना शुरू हो जाएगा दोबारा से। दूसरा, हेयर को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं फेनुग्रीक सीड, तो उसकी वजह से आपका हेयर का टेक्सचर बदल जाता है जिसकी वजह से आपके हेयर बहुत हेल्दी हो जाते हैं, सॉफ्ट सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। और जो राइस हैं वो आपके हेयर को थिक बनाने का काम करते हैं, स्ट्रेट भी करते हैं आपके हेयर को, और इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन इन दोनों चीज़ों से मिलता है हेयर को कि आपका हेयर की काया ही बदल जाएगी। आपके अगर हेयर की लेंथ एक लेवल पे आके रुक गई है तो वो बढ़ने वाली है। अब आपने क्या करना है, आपने अच्छे से इन दोनों इंग्रेडिएंट को वॉश कर लेना है, आपने इनको पानी में उबालना है। आप यहाँ पे एक्सेसिव वाटर लोगे क्योंकि जब ये बॉयल हो जाएंगे अच्छे से तब भी आपके उस बॉयल प्रोसीजर के बाद भी, ये पकने के बाद भी उसमें पानी जो है बहुत सारा रह जाना चाहिए क्योंकि हम इस बॉयल वाटर को ही यूज़ करेंगे जो मेथी दाना और राइस को बॉयल करने के टाइम पे हमने डाला है। तो ये एक्सेसिव वाटर जो हमने डाला है जब ये पक जाएगा अच्छे से, बॉयल हो जाएगा, सारा न्यूट्रिशन इस पानी के अंदर आ जाएगा राइस का भी और मेथी दाने का, तब आपने इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेना है। अब आपने अपने हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले अपने हेयर रूट्स पे इसे अप्लाई करना है और हेयर लेंथ पे भी अप्लाई करना है। 2 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है, ऐसे ही लगे रहने देना है। इसका एप्लीकेशन आपके लिए फर्स्ट टाइम में ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आपको हेयर का टेक्सचर फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पे ही नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने 2 घंटे बाद अपना हेयर वॉश कर लेना है और आप
हेयर वॉश किसी माइल्ड शैम्पू से ही कीजिएगा। और माइल्ड शैम्पू का मतलब यहाँ पे हर्बल शैम्पू है। अगर आप किसी हार्श शैम्पू को यूज़ करते हो या सल्फेट बेस्ड शैम्पू को यूज़ करते हो तब ये रेमेडी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी जितना मैं आपको बता रही हूँ। तो आप हर्बल शैम्पू ही यूज़ कीजिएगा या देख लीजिए कि आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो ज़्यादा केमिकल बेस्ड ना हो। और फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद जब आप इससे हेयर वॉश करोगे तो आपके हेयर सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, ये हेयर टेक्सचर बदल जाएगा। और अगर आप एक हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को यूज़ करते हो अपने हेयर रूट्स और हेयर लेंथ पे लगाते हो तो आपको 15-20 डेज में इसके विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। हेयर लॉस नहीं होगा, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और आपके हेयर थिक हो जाएंगे और हेयर लेंथ आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी अगर आपने इसे रेगुलर यूज़ करा तो। और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।